हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें, यानी कि सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए या किसी भी काम को पूरा करने के लिए तीन स्टेप होते हैं, थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट, यानी कि सोचना, प्लानिंग बनाना और फिर उसे पूरा करना। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले और दूसरे स्टेप को स्किप कर जाते हैं, वो सीधा तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं, यानी कि वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, यानी उनके सामने जो भी बुक आती है उसे पढ़ने लगते हैं, जो भी चैप्टर होता है उसे पढ़ने लगते हैं, किसी दिन क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं बिना ये जाने कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ सोचना है, यानी कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फिर उसके अनुसार हमें प्लानिंग बनानी है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। यानी सबसे पहले हमें सोचना है कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक हमें लेनी पड़ेगी। तो यानी सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है उसका सिलेबस देखना है। तो आप सबसे पहले अगर पीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, उसका आप सिलेबस ले लीजिए, उसको दो तीन बार अच्छे से पढ़िए और उसमें समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कितनी चीज़ें आपने अब तक पढ़ ली हैं, अब तक आपने एमए किया है या एमएससी किया है, तो इस दौरान आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। आप पाएंगे कि 90-95% जो सिलेबस है वो आप पढ़ चुके हैं। बस अगर आप दो तीन साल हो गए हैं छोड़े तो आपको कुछ भूल गया है, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। तो यानी सिलेबस आप देखिए, सिलेबस से आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इससे आपके दिमाग में एक प्रेशर बनेगा कि हाँ इतना ज़्यादा पढ़ना है और मुझे अभी इससे पढ़ाई में लग जाना चाहिए। आप पूरे सिलेबस को या तो खुद ही अपने शब्दों में उसे लिख लीजिए या प्रिंट करा करके अपने पास रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा ये छवि बनी रहेगी, आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना बाकी है, आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि उस एग्ज़ाम के लिए जो भी बुक आती है उसे ले आते हैं और पूरा पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो होती है उसमें नहीं पढ़नी होती, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता। तो आप हमेशा सिलेबस अपने पास रखिए, उसको अच्छे से याद रखिए। केवल अपने पास ही नहीं रखना है, आपको सिलेबस एकदम याद होना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा उसका प्रिंट अपने पास रखिए और आप जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं उसको अंडरलाइन करते जाइए और दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखिए कि अभी मुझे इतना कवर करना है। तो यानी सिलेबस देखने से आपको ये पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उसके बाद आप आइए सेकेंड स्टेप पर, यानी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको टॉपिक की वैल्यू पता चलेगी कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम करना है, किसको ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको ये भी पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या आता है, वो बहुत ही सिंपल आता है या मीडियम आता है या हार्ड आता है। तो आप टीजीटी पीजीटी का पेपर देखेंगे, वो हार्ड नहीं होता, वो सिंपल टू मॉडरेट होता है, यानी आपको बहुत ही डीप में जाकर पढ़ना नहीं है। यानी जब आपको पता चल जाए आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पेपर का लेवल क्या होता है, उसके बाद आप उसकी बुक पढ़ना शुरू कीजिए। यानी पहला दूसरा स्टेप करने के बाद आप तीसरे स्टेप पर आइए। तो आइए अब हम अपनी प्लानिंग के बारे में जानते हैं। तो इस प्लानिंग के बारे में ही हम देखते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, यानी हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो इसमें मैं आपको केवल बायोलॉजी की ही बुक बताऊंगी टीजीटी पीजीटी के लिए, लेकिन इस वीडियो को आप मेरे साथ अंत तक देखिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ। मैं आपको जो भी बुक बताऊंगी सभी बायोलॉजी की राइटर्स के नेम्स बताने वाली हूँ। तो इंटरमीडिएट में जैसा कि आप जानते हैं जूलॉजी के लिए रवींद्र गुप्ता की बुक आती है और बॉटनी के लिए एमपी कौशिक की बुक आती है, तो ये दोनों बुक आप ले लीजिए। इसके अलावा आप जानते हैं
कि इंटर के लिए ही एनसीईआरटी की बुक आती है 11th और 12th की, तो वो दोनों भी आप ले लीजिए। तो इसलिए दोनों लेना जरूरी है क्योंकि आप देखिए आजकल एनसीईआरटी की वैल्यू बढ़ रही है। अभी हाल ही में नीट का पेपर हुआ जिसमें 90 में से 90 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आए, तो इसीलिए आपको ये रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक के साथ साथ एनसीईआरटी भी लेनी है। तो आप जो है बायोलॉजी की शुरुआत जो है सबसे पहले इंटरमीडिएट से करेंगे, और एनसीईआरटी आपको इसीलिए लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ आपको बीएससी की भी बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये एग्जाम जो है वो बीएससी और एमएससी लेवल का है, इसलिए आपको एमएससी लेवल की तो नहीं लेकिन बीएससी की बुक पढ़नी पड़ेगी। यानी आपको इंटर की बुक लेनी है इंटरमीडिएट में रमेश गुप्ता, एमपी कौशिक, एनसीईआरटी लेनी है 11th और 12th की। इसके साथ साथ आपको बीएससी की बुक लेनी है, तो बीएससी में आप जैसे जानते हैं सबसे फेमस राइटर जूलॉजी के लिए हैं आर.एल. कोटपाल, और बॉटनी के लिए हैं सिंह पांडे जैन। तो इतनी सारी बुक आपको ले लेनी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन बुक को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे इंटरमीडिएट की बुक से। जैसे कि अगर आपको फंजाई पढ़नी है तो आप सबसे पहले बॉटनी में आप फंजाई चैप्टर खोलेंगे और सबसे पहले पूरे चैप्टर को आप पढ़ डालेंगे बिना ये सोचे समझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 30 से 40 मिनट में एक बार में उसको पूरा पढ़ डालिए। पहले ही बार में आपको अंडरलाइन करने की या नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको जब सेकेंड टाइम पढ़ने लगेंगे तो उसको आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, और जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे अंडरलाइन करते जाइए। तो जब पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आप आधे घंटे का या एक घंटे का रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद आप आइए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। घबराइए मत कि आपको और पढ़ना है। एनसीईआरटी में आप बस देखिए कि जो आपने पढ़ा है वही सेम इसमें दिया है या नहीं, या कि इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं आप इसमें सिर्फ उसी पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। इंटरमीडिएट की बुक पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी की बुक को बस अंडरलाइन कर दीजिए जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है। इस तरह से आपका एक बार रिविजन हो जाएगा। फिर उसके बाद यही काम आप बीएससी की बुक के साथ भी कीजिए। आप बॉटनी में सिंह पांडे जैन की बुक खोलिए और उसमें फंजाई चैप्टर में आप देखिए कि जो इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ा है इसमें वही है या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें दिए हैं आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस तरह से आपका फंजाई जो है वो समग्र रूप से एकदम विस्तृत रूप से तैयार हो जाएगा। आप जब पहली बार फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपको लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जब उसी को आप अच्छे से तैयार करने लगेंगे तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का तैयार का समय लगेगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ने में आप 20 से 30 मिनट या 40 मिनट का समय दीजिए। फिर इसी तरह आप जो है बीएससी की बुक पढ़ने के लिए भी लगभग 1 घंटे का समय दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि 4 घंटे में आपका लगभग एक टॉपिक या आप कहें एक चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से। आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो कंप्लीट है या नहीं है। बहुत ही अच्छे से आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप रेस्ट कीजिए, आप लगातार पढ़िए मन, अब रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप जब भी बैठिए तो आप अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, यानी कि आपने जो पढ़ा है वो सार्थक है या नहीं। तो इसके लिए यूथ कंपटीशन की बुक आती है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि इसके अलावा यूपी पीजीटी के अलावा बहुत सारे पीजीटी होते हैं, जैसे दिल्ली पीजीटी, झारखंड पीजीटी, इसके अलावा केवीएस होता है, एनवीएस होता है, नवोदय पीजीटी होता है। तो इन सब में क्वेश्चंस जो हैं कोई भी टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको एक साथ कलेक्ट किया गया है। यानी फंजाई से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक चैप्टर में सब एक साथ दिए गए हैं। तो आप फंजाई पढ़ने के बाद उस चैप्टर को सॉल्व कीजिए। अब देखिए फंजाई के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 100 150 आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और फिर इसे सॉल्व करने के बाद आप उन क्वेश्चंस पर टिक कर लीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बुक में नहीं दिए गए थे उनका आंसर, तो आप उसको टिक कर लीजिए। और फिर इसके बाद आप अपना नोट्स बनाइए, यानी नोट्स में जो जो पॉइंट आपने अंडरलाइन किए हैं तीनों बुक में उनको मिलाकर और जो क्वेश्चन आपने टिक किए हैं उसको मिलाकर आप अच्छे से लिख लीजिए। लेकिन नोट्स बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए, जो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप सेल से शुरुआत कर रहे हैं तो सेल में मत लिखिए कि सेल जो है वो मानव शरीर की इकाई है,
या फिर ये फंक्शनल इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। इसमें सेल वॉल होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको बार बार याद करने की जरूरत है, जो कठिन है, आप अक्सर भूल जाते हैं, बस उन्हीं चीजों को लिखिए। और ज्यादा से ज्यादा डायग्राम का प्रयोग कीजिए। और जो डायग्राम आप बनाइए उसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने माइटोकांड्रिया बनाया, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसका ये दो झिल्लियों से घिरी होती है, अंदर की झिल्ली जो है उंगली नुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये सब फिगर देख कर जो चीज पता चल जा रही है, यानी कि उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बायोलॉजी में आप ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाइए, फिगर में ही पूरी लेबलिंग कर दीजिए कि आप फिगर देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जो फिगर से आपको देखने से न समझ में आ रहा हो, बस उसी चीजों को ही आप राइट डाउन कीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 1 घंटे या 1.25 घंटे आपको नोट्स बनाने में, उसी तरह 40 से 45 मिनट आपको या 1 घंटे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में लगेंगे। यानी अगर आप डेली 6 घंटा देते हैं, तो 6 घंटे में एक चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जूलॉजी बॉटनी में लगभग 30 या 25, दोनों में ही लगभग 30 30 या 25 25 चैप्टर दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देखें तो आपका 2 से 2.5 महीने में ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन आप इसको रिविजन के साथ पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस के साथ पढ़िए, तो 4 महीने में अच्छे से तैयार हो जाएगा। और रिवीजन आप जो है वो डेली बेसिस पे कीजिए, हर वीक कीजिए और हर महीने कीजिए। यानी आज आपने जो पढ़ा है, कल कुछ नया पढ़ने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। यानी जो भी आपने कल पढ़ा है उसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, और फिर एक हफ्ते में आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए, फिर इसी तरह आपने जो एक महीने में पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। यानी अगर आप किसी चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, वो आपको काफ़ी समय के लिए याद रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते, एक तरफ से पूरा पढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए उनका जो है वो याद नहीं रहता। तो आप अगर उसे 3 बार रिवाइज कर लेते हैं डेली बेसिस पे, फिर वीक में, फिर महीने में, तो वो आपको काफ़ी लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो लोग 1 बार या 2 बार पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, या जिनके पास काफ़ी कम समय रहता है, जो सेल्फ जो नौकरी करते हैं या ज़्यादा घर का काम करते हैं, जिनके पास समय की कमी है, तो वो इन सब बुक को लेने के बजाय वो एक बुक ले सकते हैं। यानी जूलॉजी के लिए वो आरके पिल्लई की बुक ले सकते हैं। काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, फिर उसके एमसीक्यू दिए गए हैं। उसी तरह बॉटनी की बुक आती है, उसी तरह एक बॉटनी की बुक आती है कुमार मलिक की। तो यानी आप जूलॉजी के लिए आरके पिल्लई की और बॉटनी के लिए कुमार मलिक की, ये दोनों बुक ले लीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ आप यूथ की जूलॉजी और बॉटनी की ये दोनों सीरीज भी खरीद लीजिए। इसमें क्या दिया गया, वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप इतना करने के बाद आप किसी अच्छे कोचिंग की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, आपको 1000 के अंदर पड़ जाएगी। ये दोनों के लिए है, जो पहला मेथड यूज कर रहे हैं और जो दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। क्योंकि यूथ कंपटीशन की जो ये हमने बुक ली है, इसमें जो है वो जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो इनके दोबारा पूछे जाने की संभावना कम है। यानी सभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, हाँ क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन केवल 40% ही। 60% के लिए आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है एक तरह से क्वेश्चन पेपर की तरह ही होता है। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और सब कुछ आपका अच्छे से तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि आप कैसे पढ़ें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में बुक से लेकर के या स्ट्रेटजी से लेकर के कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।